नर्मदे हर। मैं चंबल में बैठा हूँ। देखिए नर्मदा जी तो नहीं है, ये है चंबल। और चंबल का नाम लेते ही जेहन में एकदम से क्रांतिकारी विचार आने लगते हैं। यानी चंबल का किनारा हमेशा दस्यु लोगों के लिए फेमस रहा है हमेशा से। यहाँ पर तो हमेशा दस्यु लोगों की ही फिगर दिमाग में आती है चंबल का। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं बताते हैं चंबल की सबसे अधिक गहराई है 60 से 70 फीट की। तो यहाँ इस क्षेत्र में बहुतायत में आपको मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए, ये मतलब जितने जलीय जीव हैं यहाँ मिलेंगे। और ऊपर बाबा सिद्धनाथ का स्थान है, ये देखिए हम आपको दिखा दें, ये ऊपर बाबा सिद्धनाथ का स्थान है ये। तो चलेंगे हम ऊपर स्थान पर भी चलेंगे, वहाँ से बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करेंगे। और यहाँ से अभी नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ दिख भी सकते हैं, ये घड़ियाल वगैरह या मगर, मगर हैं तो उस तट पे बैठे हुए हैं, लेकिन शायद कैमरे की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। उधर मगर बैठे हुए हैं, मतलब क्या होता है जब हल्की हल्की धूप निकलती है सर्दियों में तो रेत पे आ जाते हैं मगर धूप लेने के लिए। और इधर से वो कभी कभी क्या ऊपर जब हम बाबा सिद्धनाथ के स्थान पे पहुँचते हैं तो वहाँ से कुछ मगर या घड़ियाल तैरते हुए भी नज़र आते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं ऊपर से। यहीं पर एक संत भगवान रहते हैं तो उनसे, संत भगवान से भी मुलाकात करेंगे और देखते हैं आज क्या मिलने वाला है संतों के मुखारविंद से। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा ऊपर आश्रम में चलते हैं, संत भगवान से मिलते हैं और उसके बाद जो है बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। ये है आश्रम जहाँ पर संत भगवान रहते हैं। और ये पूरा इलाका किसी समय ये पोजीशन थी, यहाँ प्रतिदिन दिवाली होती थी, यानी पटाखे चलते थे, पटाखे नहीं गोलियाँ। जी हाँ, सूर्य ढलते ही आसपास के क्षेत्र में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, कभी गैंगवार, कभी कोई पकड़, तो कभी पुलिस कॉम्बिंग, तो ये चलता ही रहता था। बहुत ही दुर्गम इलाका। और ये वो स्थान जहाँ पर पुलिस वाले भी अगर ड्यूटी करते थे तो अपनी राइफलों को अंदर बंद करके रखते थे, यानी राइफल लेकर ड्यूटी करना भी उनके लिए मुनासिब नहीं था। तो ये है देखिए आश्रम, बहुत ही प्यारा आश्रम है। और चलते हैं हम अंदर आश्रम में, संत भगवान से करते हैं मुलाकात और दर्शन करते हैं भगवान के, हो जाते हैं तो। और उसके बाद नर्मदे हर। ये बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत सुंदर। ये मेरा नाम योगी बाबा भक्ताईनाथ। योगी बाबा भक्ताईनाथ। भक्ताईनाथ गुरु योगी बाबा सिद्धाईनाथ। अच्छा अच्छा अच्छा। पंथ आई गद्दी कोत कला हरियाणा जी। भगवान अपना इससे पहले स्थान कहाँ पर था प्रभु? इसके पहले ढेरनाथ। ढेरनाथ उससे पहले भरतरी धाम अलवर राजस्थान। अच्छा अच्छा। क्योंकि भगवान अभी कुछ समय पहले मैं जब यहाँ आया था तो आपके दर्शन नहीं हुए थे, तो इसलिए हमने पूछा। यहाँ भगवान रहते हैं अभी आए हैं डेढ़ महीने। डेढ़ महीने से? पहले भी आया था 12 साल पहले। 12 साल पहले? अच्छा अच्छा। ये बना गया था। अच्छा, तो ये धूना और गौशाला वगैरह आपने यही बनवाया था। भगवान कुछ इस पंथ के बारे में, गोरखपीठ के बारे में थोड़ा सा। गोरखपीठ तो हमारे वहाँ गोरखपुर में है जी,
आदित्यनाथ मठ आदि है जी जी जी, वो अध्यक्ष हैं हमारे। अच्छा अच्छा। और मैंने अपनी गद्दी बताई दिया आपको, कोत का साधु हूँ जी, कोत कला भक्ताईनाथ मेरा नाम है, गुरु योगी सिद्धाईनाथ, दादा अच्छा, गुरु विष्णाईनाथ जी जी। तो भगवान आप यहाँ कितने समय तक, और आप क्या बता सकते हैं ऐसे कुछ है? रमता जोगी बहता पानी नहीं, जितने दिन दाना पानी उतने दिन चल गया। बिल्कुल सही बात होगा, जितने दिन दाना पानी उतने दिन तो है ही। तो उत्तराखंड बता रहे थे कुछ लोग, आप उत्तराखंड से आ रहे हैं? ढेरनाथ बताया तो सही मैंने। अच्छा ढेरनाथ, हम समझ ढेरनाथ लोहागाट चंपावत डिस्ट्रिक्ट। अच्छा लोहागाट, वहाँ मायावती आश्रम भी है। सुना है, गए तो नहीं अभी तक, बताते हैं बहुत सुंदर आश्रम है, गोरखनाथ का स्थान है वो। अच्छा अच्छा, गोरखधुना, गोरखधुना। भगवान वहाँ लोहाघाट में और भी कई एक स्थान है ऐसे संत महात्माओं के। एक तो शिव जी का स्थान है हमारे से ऊपर थोड़ा जी जी, और बहुत स्थान है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, धुमा देरी है जी, और गोरखनाथ है, और शपथ ऋषि है कई। अच्छा तो भगवान ये स्थान आपको कैसे, चंबल का किनारा कैसे मिला? मैं पहले आया था भर्तरी धाम से जी, एक भागवत में मेरा निमंत्रण था वहाँ हनुमत पुराण जी, वहाँ से फिर आया तो फिर यहाँ देखा, फिर दोबारा आया तो यहाँ थोड़ा धोना बना दिया, धोना बना के फिर चले गए उत्तराखंड में। अच्छा अच्छा, उत्तराखंड से आप यहाँ निमंत्रण में आए थे? बहुत पहले आए भाई, क्योंकि उत्तराखंड से, हालांकि चंबल भी काफ़ी प्रसिद्ध है लेकिन साधु संतों की वजह से नहीं, चंबल किसी और काम से प्रसिद्ध है। मुझे तो कुछ लगा नहीं ऐसा। नहीं अब तो भगवान शांत है, अब तो कुछ नहीं, अब तो बड़ा आनंद है। और पहले तो बताते हैं कि सूर्य ढलते ही हर रोज दिवाली होती थी यहाँ पर। मैं तो हनुमतपुरा माई के मंदिर में आया था, निमंत्रण था मेरा। अच्छा अच्छा, भर्तरी धाम से कोई भक्तों ने बुलाया था जी, तब से फिर यहाँ सिद्धनाथ आया, अच्छा लगे, जगह थी, गौशाला बना दिया, धोना बना दिया, फिर चले गए उत्तराखंड। उत्तराखंड से फिर आ गए। तो गौशाला में अब गाय है? गाय है, कितनी गाय है? 9-10 गाय है। अरे बहुत अच्छा भगवान, बहुत अच्छा, संतों की कृपा जहाँ हो जाए फिर तो वो तो हाँ जगह स्वर्ग हो जाती है। तो आपके समय में जब आप आए थे उस समय ऐसा कुछ नहीं मिला आपको? ना खत्म हो गई, कुछ नहीं मिला। अरे हमें क्या मिलेगा, हम तो बाबा हैं। अरे भगवान यहाँ बहुत बुरा हाल था, यहाँ जो आम पब्लिक थी उसको पुलिस भी परेशान करती थी और बदमाश भी परेशान करते थे। बदमाशों को ये शक रहता था कि इसने हमारी मतलब बोधे दे दी है, हाँ लोकेशन दे दी है पुलिस को, ये पुलिस का मुखबिर है, और पुलिस ये समझती थी ये बदमाशों को शरण देता है, तो बेचारे दोनों तरफ से परेशान रहते थे। अब ऐसा नहीं, अब बड़ा बहुत आनंद, सारे गाँव दोबारा से बच गए। हाँ बिल्कुल, नहीं तो लोग यहाँ पलायन करने कर गए थे। हाँ ऐसा होता तो हम भी क्यों आते हैं यहाँ। खैर यहाँ पर जो एक स्थान है करम भरे, वहाँ जो मंदिर है वहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी रहे एक दो दिन। गया हूँ मैं वहाँ पे दर्शन करके आया, वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी निवास किया है रात्रि विश्राम। बहुत ये स्थान बहुत अच्छा है, बहुत सिद्ध स्थान है, लेकिन वो क्या करें, चंबल का प्रताप था कि चंबल किसी और काम से जानी जाती है, तो चंबल की घाटी साधु संतों के लिए नहीं बल्कि लुटेरों के लिए जानी जाती थी। नहीं सिद्ध स्थान तो खूब है यहाँ पे, सिद्ध स्थान है बहुत है, चंबल के सारे सारे वो बागेश्वर कालेश्वर ये सब जी जी जी, सिद्धनाथ जी। तो आप भगवान जब से आए तब से आनंद है? आनंद है, ये गुड्डू तिवारी मेरी सेवा में रहता है। चलो ठीक है, यार जंगल भी लगता है, सब पता है, रिटावा के ही है।
चलिए बाबू, बहुत अच्छा लगा। जय हो। अच्छा बाबू, यह जो स्थान है इसके बारे में थोड़ी सी है जानकारी? क्या ये जो स्थान सिद्ध स्थान है? ये नाथ जी का सिद्ध स्थान है, ये आलोक हुए हैं बाबा। अच्छा अच्छा, तभी तो इतनी आस्था है। सिद्ध स्थान उसी को, जैसे ढेरनाथ उसमें भी आलोक हुआ बाबा। अच्छा अच्छा, ये गुप्त, ये 84 सिद्धों के बाबा हैं, जो आलोक हुए हो ना, जितने भी अदृश्य हो गए। जी जी जी, इसलिए इनकी मान्यता है, इनके नाम से काम हो जाता है। आप भी जो मांगोगे वो काम बने जाएगा। आप तो यहीं के बताओगे। अच्छा तुम्हारी यहाँ जैसे ये प्रचलन में था कि यहाँ पर अश्वत्थामा आता है, ऐसा कुछ? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार, परशुराम, मार्कंडे, हनुमान जी, दुबी सर, ये 8 अमर पद्मियाँ यहाँ विराजमान। अच्छा जी, नहीं ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर अश्वत्थामा आते हैं? आते हैं, जल्दी चलाते हैं। अच्छा जी, देखे गए, घूमते फिरते यहाँ जो लोग रहते हैं तो उन्हें दर्शन भी हुए प्रांगण। अच्छा, अश्वत्थामा मिलेगा लोगों को? क्योंकि आसपास हमारे मतलब किंवदंती है इस स्थान के बारे में, हाँ, कि यहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर चले जाते हैं। जी, मैं भी अचानक आया हूँ यहाँ पे, मेरे को कुछ उताटन लग गया जी, गाय वगैरह बीमार थी कुछ, इसने अर्जी लगा दी, पहले बना के गया था मैं तो अचानक। 12 साल पहले महाराज जी यहाँ 8 महीने रुक के गए। अच्छा, गौशाला ढूंढना जी, कुल काम करा गए, करीबन 11-12-13 लाख रुपए लगा गए। अच्छा अच्छा, अरे ठीक है, डर भी लगता है शिवरात्रि से, देश विदेश के पहलमान आते हैं। शिवरात्रि में दंगल होता है? जी, बहुत बड़ा दंगल होता है। चलिए भगवान, अच्छा लगा ये जानकर, बहुत खुशी हो रही है कि कब तक ये स्थान चेतन में रहेगा। आते रहना ना फिर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सोमवार को आए, सोमवार को। जी भगवान जी, नर्मदे हर 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 महादेव। ये देखिए, ये देखिए यहाँ सिद्धनाथ का स्थान है और बिल्कुल चंबल नदी के किनारे। देखिए जैसे कि अभी हम चलेंगे तो ये देखिए आप चंबल के दर्शन, ये चंबल नदी। इस समय धुंध बहुत है, धुंध के कारण हो सकता है कि तस्वीर साफ ना आ रही हो। तो चलिए पहले हम चलते हैं, बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करते हैं। देखिए ये सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा हमें ऊपर, बाबा सिद्धनाथ और बिल्कुल चंबल नदी के ठीक ऊपर। आइए तो पहले चलते हैं, बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करते हैं। ये देखिए ऊपर आ गए हम, बाबा सिद्धनाथ धाम पे, जय भगवान की। ये जय हो, आइए पहले दर्शन। जय हो बाबा सिद्धनाथ। ओम नमः शिवाय। अब थोड़ा सा दर्शन करते हैं ये चंबल नदी की। ये इतना साफ पानी है चंबल का कि इसमें जो देखिए वो मगर तैर रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। हाँ वो देखो, वो नज़र आ रहा है, ये रहा देखिए, ये घड़ियाल तैर रहा, देखो चम्मल में। ये देखिए घड़ियाल किस तरीके से तैर रहा है, ये अरे वाह, अब नहीं दिख रहा, अब चला गया नीचे, पानी के नीचे चला गया।
चला गया, अब नहीं दिख रहा है ये। काफ़ी घड़ियाल हैं यहाँ पर, मगर और घड़ियाल बहुत हैं चंबल के किनारे।